नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं एमकेएल लबोरेटरीज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमकेएल सीसी ग्रुप पर। आप सभी विद्यार्थी अपने डिस्प्ले पर देख ही रहे होंगे कि हम अभी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के ऑफिशियल वेबसाइट BCECE बोर्ड पे आए हुए हैं। जैसा कि सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, BCECE बोर्ड द्वारा जो प्रत्येक वर्ष ITI कैट अर्थात ITI प्रवेश परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसका फॉर्म कब आएगा, तो सब लोग का अब इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, हम अभी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन BCECE बोर्ड ने निकाल दिया है और अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, तो आप लोग भी इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन या नोटिस है वह हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं और आपके लिए विस्तार से बताने वाले हैं कि कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना रुपया लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने में, आपका एग्जाम कब होने वाला है, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और जो बच्चे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं जानते हैं, वे नहीं जानते हैं कैसे इसका ऑफिशियल साइट पर आए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम इसका दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विस्तार से कि ITI प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है कब से अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से दोस्तों पर शेयर करें ताकि इस महत्वपूर्ण जो जानकारी आप लोग के लिए लेकर आए हैं सभी बच्चों को प्राप्त हो सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करके पूछ रहे थे, सर फॉर्म अभी तक नहीं आया, कब आएगा, तो इसलिए आप लोग के लिए हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा अर्थात इसे शॉर्ट में ITI कैट कहते हैं, इसके परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण जितने भी बात आएंगे सभी को हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वह कब से स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं 5/4/2022 अर्थात 5 अप्रैल 2022 से, और इसका जो अंतिम तिथि है 2/5/2022 अर्थात 2 मई 2022 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है वह 29 मई 2022 रखा गया है। तो इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पेमेंट करना होगा, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस वीडियो में बने रहेंगे और अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों पर शेयर करेंगे। तो चलिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जो एक और इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है उसको हम आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। और जैसा कि इसका जो ऑफिशियल साइट है आप लोग के डिस्प्ले पर शो हो रहा है और हम इसका जो लिंक है डायरेक्ट आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बस आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधे इसका ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग के लिए सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने है। स्टेप वन में आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए क्योंकि उस पर आपको OTP जाएगा, उसी के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जितने भी जरूरी सूचनाएं हैं आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है उसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब फोटो किस तरह से अपलोड करना है, कैसा फोटो चाहिए, अगर आपको इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इससे संबंधित और इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट करेंगे, उस पर हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, यथासंभव हम एक वीडियो से बताने का भी प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं आपको रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज प्लेस कार्ड के साथ जिस पर आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित होना चाहिए, ऐसा आपको फोटो चाहिए। उसके बाद आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मैट्रिक पास हैं या नहीं, आप
मैट्रिक में इस बार अपीयर हुए हैं या पास हैं इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना मार्क्स आया अगर पास होंगे तो। उसके बाद जो 5 नंबर स्टेप है, एक बार पूरे एप्लीकेशन को देखना है, और उसके बाद अगला स्टेप है बाबू 6 नंबर आपको पेमेंट करने के लिए। इसका पेमेंट करने के लिए पेमेंट कितना लगेगा आपको, इसके लिए 750 रुपये पेमेंट लगने वाले हैं, जैसा कि अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 100 रुपये लगते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये मात्र चार्ज लगते हैं। अगर आप जनरल कोटा में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2 में आते हैं, तो आपको इसके लिए 750 रुपये देने होंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आपको इसके लिए 430 रुपया पेमेंट करना होगा। आप जैसे ही पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद आपको इसके लिए हार्ड कॉपी डाउनलोड करना होगा। 2 पार्ट में रहते हैं, एक पार्ट ए पार्ट बी। जब आपका इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको यह डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी होता है, इसको ही लेकर जाना होता है एडमिशन के वक्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो चलिए जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और है वो आपको बताते हैं। देख सकते हैं एक बार पुनः आप लोग जल्दी में देख लीजिए सारी प्रक्रिया। आपका जो इसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 5/4/2022 अर्थात 5 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाली है, और इसका जो लास्ट डेट है वह 2/5/2022 अर्थात 2 मई 2022 तक है। पेमेंट करने का लास्ट डेट 3 मई 2022 है। और जो अगर किसी कारण से गलती कर दिए इस फॉर्म में भरने वक्त, आपसे भूलवश किसी तरह से त्रुटि हो गई है, तो इसको सुधारने का भी मौका दिया गया है आपको। आप इस फॉर्म में सुधार कर सकते हैं 4 मई से 7 मई के बीच। सब प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद आपका एंड कार्ड जारी होगा बाबू। देख सकते हैं अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एंड कार्ड 17/5/2022 अर्थात 17 मई को इसके लिए एंड कार्ड जारी होगा, और जो आपका लास्ट में एग्जाम होगा उस वह होगा 29 मई 2022। तो पूरी जानकारी हम बताने का प्रयास किए, अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप लोग इस प्रवेश परीक्षा में अच्छा रैंक लाकर उत्तीर्ण हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।